Peter. This is Amit and you are watching Russell Alive. तो कैसे हो यारो, वेलकम बैक टू द रसल अलाइव। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से होगे। तो यार फाइनली रसल मीनिया का आखिरी पड़ाव खत्म हो चुका है, यानी कि फाइनली फास्ट लेन खत्म हो चुका है और हमारे फीड वापस आ चुके हैं, रैंडी ऑर्डन वर्सेस अलेक्सा प्लेस। और फीड का जो लुक देखने को मिला, क्या कमाल का लुक है। और हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस ने कर दिया सबमिट अपने मैच में, यानी कि रोमन उसने टैप आउट कर दिया। तो यार पूरे फास्ट लेन के बारे में बात करेंगे, कैसा ये फास्ट लेन था। तो बस वीडियो में बने रहो, इसे एंड तक देखना। बाकी तुमको साइड में एक लाल कलर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता उसे नया वाला फिन का सिस्टर एप्लीकेशन लगाते हैं या फिर पुराने वाले का सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं किक ऑफ से। तो किक ऑफ में हमें मैच देखने को मिलता है मुस्तफा अली वर्सेस रिडल के बीच, जो कि था यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। और मैच की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा मैच था और रेसलिंग काफ़ी अच्छी थी इसकी। और लेकिन अगर हम रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिडल ने अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। लेकिन उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर रिट्रीब्यूशन आके उठाती है मुस्तफा अली को, जिसके बाद फिर से वो चिल्लाने लगते हैं अपने मेंबर्स के ऊपर। और उसके बाद रैकनिंग सबसे पहले यहाँ से चली जाती हैं, और रैकनिंग जैसे ही जाते हैं मुस्तफा अली और भी गुस्से में हो जाते हैं, जिसके बाद फाइनली इस बार तो टी बार एंड स्लैप चेक ने शायद बहुत ही अच्छा मजा चखा दिया। फाइनली रिट्रीब्यूशन टूट चुकी है और मुस्तफा अली भी टूट चुके हैं। क्या मस्त चौक स्लैम पड़ा था उनको। तो कुल मिला के बहुत सही चीज़ कर दी डब्ल्यू ने, जो कि हमें काफ़ी टाइम से लगी रहा था कि ये चीज़ होगा, तो फाइनली आज हमें देखने को मिल गया। और इसके बाद हम आते हैं मेन शो पे। मेन शो पे हमें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, जो कि था साशा बैंक्स एंड प्रियंका ब्लेयर वर्सेस नाया जैक्सन सेना बेजलर के बीच। और साथ में यहाँ पे ये कुत्ता रेजिन नॉल भी आया था, मतलब ये भी साथ में आए थे। और इसके बाद मैच की बात करें तो मैच स्टार्ट होता है, काफ़ी अच्छा मैच चलता है, एज अ टैग टीम काफ़ी अच्छा ये मैच था। लेकिन यहाँ पे अगर तुम रिजल्ट की बात करते हो तो ठीक ऐसा ही देखने को मिलता है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पे प्रियंका ब्लेयर एंड साशा बैंक्स के बीच कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चैंपियनशिप मैच यहाँ पे रिटेन कर लेती हैं सेना बेजलर एंड नाया जैक्स। और उसके बाद फाइनली हमें वो एंगल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था रेसलमेनिया से पहले। साशा बैंक्स ने एक थप्पड़ जड़ दिया प्रियंका ब्लेयर को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था थप्पड़। और उसके बाद भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे साशा बैंक्स अपनी चैंपियनशिप लेके चली जाती हैं, और कह सकते हो काफ़ी अच्छा था। और इसके बाद हमें अपोलो क्रूज देखने को मिलते हैं, ये आदिवासी, और इसका मैच था बिगी से। बिगी के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है। और उसके बाद मैच की बात करें तो ये ठीक से चल रहा था, मतलब जिस तरीके से होना चाहिए मैच बिल्कुल परफेक्ट ये मैच था। लेकिन ये लड़ते लड़ते इतना खो जाते हैं कि फाइनली बिगी रिटेन भी कर लेते हैं चैंपियनशिप को, और अपोलो क्रूज अटैक करना छोड़ते नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे अपोलो क्रूज काफ़ी अच्छा अटैक करते हैं, अभी भी वो टाइटल पिक्चर के अंदर स्टिल शायद हैं और रेसलमेनिया तक जाएंगे, ऐसे कुछ मुझे सीन समझ में आ रहा है। फाइनली अपोलो क्रूज ने अपर हैंड ले लिया, भले ही बिगी ने रिटेन कर लिया। और इसके बाद जो हमें सेन मिकमैन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच देखने को मिलने वाला था, वो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेन मिकमैन पैर की इंजरी का बहाना बना देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अलायस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच हमें देखने को मिलता है। और होना क्या था, बस जो सेन मिकमैन का होना था वो हमारे अलायस के साथ हो जाता है। कुल मिला के काफ़ी अच्छी पिटाई होती है अलायस की, और यहाँ पे अलायस ने थोड़ी बहुत कोशिश की हराने की, लेकिन फाइनली तुम तो जानते हो ब्रॉन स्ट्रोमन कितने सटके हुए हैं। और फाइनली ब्रॉन स्ट्रोमन ने लगाया पावर स्लैम, और पावर स्लैम के बाद तो कोई उठता नहीं है, तो अलायस कहाँ से उठने वाले हैं। अलायस इस तरीके से मैच हार जाते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन जीत जाते हैं, और वो चुपचाप निकल लेते हैं। ये कुछ मुझे खास मजा आया नहीं, क्योंकि ओबियसली सेन मिकमैन एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच कुछ होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। खैर क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद हमें शिंसुके नाकामुरा देखने को मिलते हैं, जिनका मैच था हमारे स्मैकडाउन सेवियर सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के साथ। और मैच की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा मैच था, ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं सेथ रॉलिंस एंड शिंसुके नाकामुरा कितने ग्रेट एथलीट हैं, आमने सामने जब भी होते हैं क्या कमाल की रेसलिंग देखने को मिलती है। और ठीक ऐसा ही होता है मैच में, इसमें कोई कमी नहीं थी, मैच बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। और अगर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे शिंसुके नाकामुरा ने काफ़ी कोशिश तो की हराने की, लेकिन फाइनली हमारे जो स्मैकडाउन सेवियर सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस से वो हारने वाले तो हैं नहीं। फाइनली सेथ रॉलिंस ने यहाँ पे कर्ब स्टॉम लगाया और वो मैच को जीत जाते हैं। तो लगातार दूसरी बार उन्होंने हराया शिंसुके नाकामुरा को 1-1-1 मैच में। एक बार और ऐसा हो चुका है सर्वाइवर सीरीज के अंदर, जो कि ऑब्वियसली आप सभी को याद होगा। तो सेथ रॉलिंस ने दूसरी बार शिंसुके नाकामुरा को हरा दिया, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और इसके बाद हमें स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर देखने को मिलते हैं, जो कि यार इस बार तो बिल्कुल प्रभु श्री राम तो नहीं, लेकिन हाँ शंकर जरूर बन के आए थे। और वो बिल्कुल मेकअप लिपा पोती जो भी कह लो तुम, वो सब सारी चीज़ें करके आए थे। इस बार थोड़ा अलग लग रहे थे ड्रू मैकइंटायर। और इनका मैच था नो होल्स भारत मैच, जो कि कहीं पर भी पिन करो कुछ भी यूज़ करो ऐसा ही मैच था।
और इसकी भी रेसलिंग काफी अच्छी थी, मतलब मैच में कोई कमी नहीं था, हर चीज बिल्कुल सही चल रहा था, परफेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहे थे दोनों बंदे। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ रिंग में रेसलिंग हो जा रही है, फाइनली हर जगह चले गए, मॉनिटर पे जाके फाइट कर रहे हैं, स्टेज पे जाके फाइट कर रहे हैं, फाइनली अनाउंसर्स टेबल टूट गया, यहाँ तक कि सेमस को करंट तक लग गया, फाइनली कह सकते हो। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था जो कि इस मैच में हमें देखने को नहीं मिला, फाइनली दोनों रेसलर ने काफ़ी कमाल कर दिया मैच में। और यहाँ पे अगर रिजल्ट की बात करें तो ऑब्वियसली ये कोई सरप्राइज वाली बात होगी नहीं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर ने क्लेमोर लगा के सेमस को पिन कर दिया और इस तरीके से वो इस मैच को जीत जाते हैं। और बस मैकइंटायर जीत गए, बॉबी लैशली वर्सेस मैकइंटायर का मैच ही देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर नहीं आए, जो कि शोक मनाने जैसा कुछ है नहीं, अब नहीं आए तो नहीं आए, क्या कर सकते हो। बाकी ड्रू मैकइंटायर तो जीत चुके हैं, आगे हम देखते हैं क्या होता है। और इसके बाद वो वाला मैच आता है जिसका सबसे ज़्यादा मैं वेट कर रहा था, रैंडी ऑर्टन वर्सेस अलेक्सा ब्लिस का। और रैंडी ऑर्टन आते ही हैं, बस उनके मुंह से वो काला काला केमिकल निकलने लगता है, जो भी लिक्विड था। और इसके बाद रैंडी ऑर्टन गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं निकलता है तो निकलने दो, वो टॉवल लेते हैं और साफ कर लेते हैं और उसके बाद कॉल आउट करते हैं अलेक्सा ब्लिस को कि बाहर निकल, फाइनली फाइट कर लेते हैं। और इसके बाद अलेक्सा ब्लिस आती हैं, अलेक्सा ब्लिस यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का पोज मारती है यहाँ के रैंप पे, जो कि काफ़ी फनी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इसके बाद फाइनली अलेक्सा ब्लिस अंदर आती है रिंग के अंदर, और जैसे ही रैंडी ऑर्टन कुछ पास आने की कोशिश करते हैं अलेक्सा ब्लिस की, यहाँ से पूरे आग निकल आते हैं रिंग के बीचों बीच, और उसके बाद रैंडी ऑर्टन फिर से पीछे हट जाते हैं। और अलेक्सा ब्लिस का काम यही था कि बस अपने पीछे दौड़ाना, वो काफ़ी मजाक उड़ाती है यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का और अपने पीछे पीछे भगाती रहती हैं रैंडी ऑर्टन को। और बस एक टाइम ये आता है जब लाइट्स गिरती हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन फाइनली वो किसी तरीके से बच जाते हैं। और इसके बाद अलेक्सा ब्लिस फिर से चली जाती है रिंग के अंदर, और इसके बाद फिर से वो बुलाने रखती हैं रिंग के अंदर रैंडी ऑर्टन को। और इस बार रैंडी ऑर्टन काफ़ी धीरे धीरे आ रहे थे फाइनली सूझबूझ के, और जैसे ही वो आने की कोशिश करते हैं यहाँ पे पीछे से कोई पैर पकड़ लेता है रैंडी ऑर्टन का रिंग के नीचे से, जिसके बाद ऑर्टन की तो फट गई कि फाइनली कौन यहाँ पे आ गया। और इसके बाद फाइनली थोड़ा सा हाथ बाहर आता है, जो कि ऑब्वियसली फीन का ही हाथ था। और इसके बाद फाइनली वहाँ से आग निकलते हैं और पूरा रैंडी ऑर्टन भाई पीछे हट रहे हैं, बिल्कुल फटी पड़ी उनकी। और भाई जैसे आग यहाँ पे डाउन होता है, ऊपर आते हैं हमारे फीन, जो कि बिल्कुल नए कैरेक्टर तो नहीं, लेकिन हाँ नए मास्क के साथ बिल्कुल उनका नया लुक हमें देखने को मिलता है। हालांकि काफ़ी सिमिलर लुक था मतलब पुराने वाले से, लेकिन इस बार जो मास्क था उनका वो बिल्कुल जला टाइप, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा था। एक तो पर्पल लाइट्स पूरी जली हुई थी, उसकी वजह से कुछ हमें क्लियर देखने को मिल नहीं रहा था। लेकिन फाइनली जो अब फीड देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है कि TLC में जला हुआ है। और फाइनली यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को वो लगा देते हैं सिस्टर रैबरी केल, और इस तरीके से फीड एंड अलेक्सा ब्लिस मैच को जीत जाते हैं। और बस यही छोटा सा एक सेगमेंट देखने को मिलता है। और इसके बाद फाइनली आता है शो का मेन इवेंट, जो कि था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। यह मैच था रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन का, जहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं, इसके बाद डैनियल ब्रायन ने रोमन रेंस। और फाइनली मैच में सबसे ज़्यादा हमें सबमिशन ही देखने को मिलता है, शुरुआत में यहाँ पे रोमन रेंस ने लिया था कंट्रोल, लेकिन इसके बाद फाइनली डैनियल ब्रायन को मिल जाता है। और डैनियल ब्रायन पता नहीं कितने टाइम तक और कितनी बार लगा चुके हैं एसलॉक। और यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब रेफरी को पड़ जाता है रनिंग नी, और रोमन रेंस लगा देते हैं डैनियल ब्रायन को स्पेयर, जिसके बाद यहाँ पे रेफरी तो बेहोश होता है, लेकिन यहाँ पे एज आ जाते हैं, एज यहाँ पे कवर करते हैं, लेकिन फाइनली किकआउट कर देते हैं डैनियल ब्रायन, जिसके बाद फिर से यह स्लॉक कनेक्ट हो जाता है, लेकिन रोमन रेंस टैप आउट नहीं करते। यहाँ पे आ जाते हैं जे उसो सुपर किक लगाते हैं एज को, डैनियल ब्रायन को, फिर वो चेयर लेके आते हैं, लेकिन उससे पहले रनिंग नहीं पड़ जाता है डैनियल ब्रायन से जे उसो को, जिसके बाद चेयर शॉट उल्टा जे उसो को ही खाना पड़ जाता है, और जे उसो की भी पिटाई हो गई फ्री में। और इसके बाद जैसे ही चेयर शॉट लगाने वाले थे डैनियल ब्रायन रोमन रेंस को, रोमन रेंस सही टाइम पर हट जाते हैं और वो चेयर शॉट कनेक्ट होता है एज को, जिसकी वजह से एज का सटक जाता है। और इसके बाद फिर से यहाँ पर रोमन रेंस ने कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर डैनियल ब्रायन ने यस लॉक लगा दिया। और इस बार जो यस लॉक लगा था वो काफ़ी टाइम का था, और यहाँ पे बहुत ही हल्का सा रोमन रेंस ने टैप आउट कर दिया, जो कि दिख भी नहीं रहा था, और लेकिन कह सकते हो रोमन रेंस ने तो फाइनली कर ही दिया। एज इसका कोई ध्यान देते नहीं, वो उल्टा चेयर शॉट डैनियल ब्रायन एंड रोमन रेंस दोनों को लगा के यहाँ से निकल लेते हैं। और इसके बाद बस नया रेफरी आता है और यहाँ पे रोमन रेंस पिन कर देते हैं डैनियल ब्रायन को, और इस तरीके से रोमन रेंस ने अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। अब फाइनली मुझे यहाँ पे सीन कुछ ठीक नहीं लग रहा है, डैनियल ब्रायन ऑब्वियसली अभी लग रहा है खड़े होंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और वो कैसे होगा कब होगा ये तो नहीं पता, लेकिन फाइनली यही था फास्ट लेन। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कितने स्टार देने वाले हो। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, साइड में एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता उसे मैंडिबल कोल लगाते हो या फिर स्पेयर, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लो, बाकी कल मिलते हैं।